नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मारपीट घटना के लिए कोई कह दे कि मैं दोषी हूं तो अपने पद से दे दूंगा इस्तीफा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कुछ बिहार भिड़त पर बोले मंत्री उदयन गोहा। मारपीट घटना की सच्चाई जानने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस बागडोगरा से दिनहाटा के लिए हुए रवाना, सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज कुल 1219 विभिन्न परिवार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी में हुए शामिल, पीएस गोले ने उनका पार्टी में किया स्वागत। कुछ बिहार में मारपीट की घटना को लेकर निशित प्रमाणिक ने बताया दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, उदयन गोहा पर जमकर बोला हमला, कहा टीएमसी समर्थकों ने मुझ पर किया हमला। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। मारपीट घटना के लिए कोई कह दे कि मैं दोषी हूं तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कुछ बिहार में भिड़त पर बोले मंत्री उदयन गोहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की गुंडागर्दी के कारण तृणमूल कांग्रेस ने दिनहाटा में बंद का आह्वान किया है, राज्य नेतृत्व को जानकारी दी गई है और साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उदयन गोहा ने दावा किया कि भाजपा समर्थकों ने टीएमसी के रैली स्थल पर पथराव किया। गोहा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक खुद अपने समर्थकों को हम पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे। नाटकटा चालिए जेते हबे, नाटकटा तो करते हबे, निजेरा गोलमाल करलो, निजेरा मारपीट करलो, आमादेर बेश कयेकजन अतर्कित हामलाय आहत हलो, এখন ওরা এসপি অফিসে ঘেরাও করবে, ওরা কি করবে, ওরা রাজ্যপালের কাছে জানাবে, ওরা হয়তো নির্বাচন কমিশনের কাছেও গিয়ে ধর্ণা দেবে। কারণ একটা লোক যদি 5 বছর মানুষের সাথে যোগাযোগ না থাকে, 5 বছর জনগণের সাথে সংযোগ যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, হঠাৎ করে আসলে পরে সব কিছু অপরিচিত অপরিচিত মনে হয়। সেটা হওয়াতে 19 আর 24 মেলাতে পারছে না, তার ফলে এই যে প্যানিক সিন্ড্রোম, তার থেকে এগুলো হচ্ছে। আপনাদের কোনো কর্মসূচি থাকছে এই ঘটনার প্রতিবাদে বন্ধ ছাড়া? আমরা তো বন্ধ করেছি, তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা এফআইআর করেছি। আমাদের যে ভোটের যে কর্মসূচি যেগুলো আছে সেইভাবেই চলছে। राज्यपाल सीवी आनंद बोस बागडोगरा से दिनहाटा के लिए हुए रवाना, सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिनहाटा में हुई मारपीट की घटना की सच्चाई जानने के लिए दिनहाटा गए। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक और राज्य मंत्री उदयन गोहा आपस में भिड़ गए थे। दिनहाटा के SDPO भी घायल हुए हैं। कुछ बिहार के दिनहाटा जाने के लिए वह कोलकाता से राष्ट्रीय राजमार्ग से हवाई अड्डे से बागडोगरा पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचकर वह पत्रकारों से बात करते हुए शांति रखने की अपील की। उन्होंने वहां से सड़क मार्ग से होते हुए दिनहाटा के लिए रवाना हुए। आई हैव कम फॉर ए रियलिटी चेक ऑन ग्राउंड जीरो वेयर दिस इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू हैव टेकन प्लेस। आई विल हैव माय ओन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड एंड देन कमेंट ऑन दैट। सर, इज इट सेड, सर यू सेड द इलेक्शन विल बी ब्लड फ्री, बट द वी वन एज यू सेड the incident which was happened today, is it shows that the election will be peaceful? That is what is a matter of concern. Let me go to the field, make my own assessment, then I'll react. Sir, you have asked a report, is it arrived? You have asked a report for Kuch Bihar incident, is it arrived? What transpires between the governor and the government during election is confidential. Will be told at the appropriate time. Sir, what's your appeal to the political party? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की विजय भव आम सभा पश्चिम सिक्किम के गेजिंग जिला अंतर्गत मोनेबोंग डेंटम में सार्वजनिक खेल मैदान में संपन्न हो गई। विजय भव पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अवसर पर कुल 1219 विभिन्न परिवार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी में शामिल हुए। SKM पार्टी के अध्यक्ष PS गोले ने उनका पार्टी में आधिकारिक स्वागत किया। इस विजय भव जनसभा को संबोधित करते हुए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष PS तवांग गोले ने कहा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न बाधाओं के बावजूद सिक्किम ने 25 वर्षों से अधिक विकास किया है। कुचबिहार में मारपीट की घटना को निशित प्रमाणिक ने दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही उन्होंने उदन गोहा पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि जब उनका काफिला इलाके से निकल रहा था तभी TMC ने रैली पर पथराव किया। प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदन गोहा BJP कार्यकर्ताओं की पिटाई करने का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उदन गोहा हिंदी भाषियों को धमका रहे हैं। আজকের এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা এবং এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই। আজকে আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল, আপনারা জানেন, আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা জনসংযোগ কার্যক্রম করি এবং জনসংযোগ করে ফেরার পথে আমরা একটা প্রোগ্রামের পাশ দিয়ে আসছিলাম যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু ছোট একটা কোনো কার্যক্রম বা প্রোগ্রাম হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অতর্কিত সেই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের গাড়িতে পাথর ছুটে আসতে থাকে এবং একের পর এক পাথর সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত এবং আগ্নেয়াস্ত্র তারা হাতে উঠিয়ে বারবার কিন্তু সেখানে এসে হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। আমার কনভয়টা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, ঠিক পেছনের দিকে এই আক্রমণ চলছিল এবং আমার যে গাড়ি সেই গাড়িতেও আঘাত লেগেছে, সেই গাড়ির কাছেও আঘাত লেগেছে, যদিও বুলেট প্রুফ গাড়ি বলে কিছু হয়নি। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা, দিনহাটার বুকে এই ধরনের ঘটনা, আমি বলবো এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং এর জন্য দিনহাটার যে একেবারে আপনারা জানেন যে বিধায়ক যিনি বারবার মানুষকে হুমকি প্রদর্শন করেন, আজকে দেখা যায় যখন আমাদের কর্মীর গাড়ি ভাঙছিল সেই সময় আমি আমরা পার্টি কে অধ্যক্ষ অজয় এডওয়ার্ডস লে লাদাখিও কে লিয়ে খড়ে হুয়ে। লে লাদাখ কে নিবাসী লে লাদাখ কো অলগ রাজ্য ইয়া ছট্টি অনুসূচি মে গঠন কি মাং কর রহে হ্যায়। ইস মাংগো কো লেকর পিছলে কুছ দিনো সে বরিষ্ঠ সামাজিক কার্যকর্তা সোনম ওয়াংচুং লে লাদাখ কে চিরিং টপটেন पार्क में धरने पर बैठे हैं। लेह लद्दाख के निवासियों द्वारा उठाई गई मांग का समर्थन करने के लिए दार्जिलिंग पहाड़ियों से हमारा पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्स पिछले दिनों लेह लद्दाख पहुंचे और मंगलवार को वह सोनम वांगचुंग के धरने में समर्थन में शामिल हुए। अजय एडवर्स और सोनम वांगचुंग ने देश के सीमावर्ती इलाकों में अलग राज्य की मांग उठाने वाले राजनीतिक दलों और यूनियनों को एक मंच पर लाकर गणतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर चर्चा की। दार्जिलिंग सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल लामा ने नक्सलबाड़ी में किया चुनाव प्रचार। आज चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल लामा ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अध्यक्ष अरुण घोष के स्कूटर के पीछे बैठकर इलाके में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने नक्सलबाड़ी के पानीघाटा चौराहे से नक्सलबाड़ी पार्टी कार्यालय तक बाइक रैली कर वोट के लिए प्रचार किया। इस दिन साथ ही उन्होंने संतोषी माता मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना भी की। बाद में नक्सलबाड़ी खोड़ीबाड़ी और फांसी देवा में भी बैठक की। खुबी भलो लगे नया बस्ती लोकगुल আমরা একটা পরিক্রমা করলাম না, সন্তোষী মা মন্দিরেও দর্শন হলো, খুবই ভালো লাগছে, এগুলো খুব প্রয়োজন আমাদের। ঠাকুরের কাছে তো প্রত্যেক বাড়ি প্রার্থনা করতে হবে, এখানে এসে আর শান্তি পেলাম। এই যে প্রচার করছেন প্রতিদিন প্রচার, মানুষের উৎসাহ আশা কি দেখতে পাচ্ছেন? মানুষে তো এখানে যেখানে যাচ্ছে খুব ভালো উৎসাহ দেখছি সব জায়গায়। আর আমাদের দলীয় কর্মচারী কার্যকর্তা আছে, সরকারি কার্যকর্তা আছে, হ্যাঁ সবই আছে আমাদের কাছে এখন। আপনারা দেখছি কর্মী সভার উপরে বেশি জোর দিচ্ছেন। হ্যাঁ, কর্মী সভায় এখন জোর দিচ্ছে, বড় বড় মিটিং আমরা করছি না, ছোট ছোট মিটিং ঘরে ঘরে গিয়ে লোকগুলোকে বোঝানো আমাদের সব থেকে এখন। এখনো তো বিরোধীরা এখনো কি প্রার্থী দেয়নি, কোথাও অ্যাডভান্টেজ মনে হচ্ছে কি? না, সেরকম চিন্তা করি না, আমাদের আমাদের মতো কাজ করে যাচ্ছি। সারাদিন ব্যাপী হচ্ছে আপনার কি কর্মসূচি রয়েছে? সারাদিন এখন আমরা তিনখানা মিটিং আছে, আর পার্টি অফিসে নকশালবাড়ি আছে, বিধাননগর আছে, पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2024 लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 मार्च पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 माँ पहलो पुरस्कार विजेता चना राम रद्दिनेश कुमार पांडे के तपाई हुनुन से यस पाली को करोड़पति। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना?
अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहां आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. वो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, फोर व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है। यहाँ रिलैक्स, कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहां है। हमारे यहां एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण। अलीपुरद्वार भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने आज कुछ अनोखे ढंग से चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन और ट्रेन में जाकर प्रचार किया। मनोज तिग्गा ने आज सुबह बीरपाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच प्रचार अभियान चलाया। इसके अलावा अलीपुरद्वार जंक्शन से सिलीगुड़ी जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन की बोगी में जाकर भी मनोज तिग्गा ने चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी पधानागर थाने की पुलिस ने डकैती की योजना में शामिल होने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग संभवतः डकैती की योजना बना रहे हैं। छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों लोग वहां से भाग गए। मंगलवार की रात फिर से पुलिस को सूचना मिली कि तीनों इलाके में घूम रहे हैं। इसके बाद दार्जिलिंग चौराहा और जंक्शन इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश चिकबराइक के समर्थन में दिग्गज TMC नेताओं ने किया प्रचार। अलीपुरद्वार के विधायक सुमन कांजीलाल ने मथुरा शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश चिकबराइक के समर्थन में प्रचार किया। पूर्व विधायक डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 1 के ब्लॉक अध्यक्ष तुषार क्रांति रॉय समेत अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने मथुरा बाजार और बाबुलहाट बाजार में एक जुलूस निकाला और आम लोगों से वोट करने की अपील की। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी KPP की
अब अलीपुरद्वार जिला समिति ने के आह्वान पर अलीपुरद्वार शहर में CAA और केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला गया। आज के विरोध मार्च में अलीपुरद्वार जिले के 200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध मार्च में KPP केंद्र समिति के महासचिव उत्तम कुमार रॉय, केंद्र समिति के सदस्य पुलिन चंद्र रॉय, चित्त मोहन रॉय उपस्थित रहे। KPP कार्यकर्ता ने अलीपुरद्वार शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ तरह तरह के नारे लगाकर विरोध मार्च निकाला। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী রাজবংশী গোর্খা দেশীয় মুসলমান এবং এখানকার যারা ইন্ডিজিনিয়াস নমশূদ্র আছে এদের স্বার্থ বিরোধী একটা আইন, তাই আমরা CAA-র বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্র সরকার দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করল, তাই প্রতারণার বিরুদ্ধে আমরা এখানে আজকে প্রতিবাদ মিছিল সাব্যস্ত করলাম। আগামী দিনে যেহেতু 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ অলরেডি ঘোষণা হয়ে গেছে, এজন্য আমরা উত্তরবঙ্গের উত্তরবঙ্গবাসীকে একটাই মেসেজ দিতে চাই যে প্রতারক BJP-কে একটাও ভোট নয়, নো ভোট টু BJP। উই অ্যাপিল টু অল। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी के पास जियागंज इलाके में सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। मालूम हो कि जियागंज इलाके में एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, तभी जलपाईगुड़ी दिशा से आ रहे एक बड़े मालवाहक वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए, इनमें से एक की हालत गंभीर है। तीनों को फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुँच कर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को बरामद कर थाने ले गई। पुलिस पूरे घटना की जाँच में जुट गई है। কেমন বয়স হতে পারে? নাম পরিচয় যারা জানি না, কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা? নকালে হবে সেন্টারগুলো দেখে, জায়গাটা কোথায় ঘটেছে? এটা কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা? তোমার জিয়াগঞ্জ হোটেল ঘটনা। কতক্ষণ আগে ঘটনা? এক ঘন্টা আগে। কি নাম? আমার নাম জানতে পারি? जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और धूपगुड़ी विधायक निर्मल चंद्र रॉय सुबह से ही जलपाईगुड़ी जिले के माल ब्लॉक डामडिल इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री बुलुचक बराइक के साथ कई तृणमूल नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय ने डामडिल बाजार में व्यापारियों से लेकर विभिन्न जगहों में जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। गाजलडोबा में दो डंपरों के बीच आमने सामने की हुई टक्कर, एक चालक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना सुबह करीब 7 बजे जलपाईगुड़ी जिले के गाजलडोबा में तीस्ता कैनल रोड पर हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक 6 पहिया डंपर गाजलडोबा से सिलीगुड़ी जा रहा था, एक अन्य 12 पहिया खाली डंपर सिलीगुड़ी से ओदलावाड़ी लौट रहा था, तभी कैनल रोड पर दो डंपरों की आमने सामने की टक्कर हो गई। 12 पहिया डंपर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे डंपर चालक को घायल अवस्था में सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। इस्लामपुर रायगंज लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी के लिए रामगंज व इस्लामपुर में चुनाव प्रचार किया गया। रायगंज लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने हुडखोला कार से इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज इलाके से चुनाव प्रचार किया। इस्लामपुर विधायक अब्दुल करीम चौधरी और तृणमूल जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल उनके साथ रहे। दोनों तृणमूल नेताओं को एक ही फ्रेम में देखकर तृणमूल कार्यकर्ता समर्थक उत्साहित थे। প্রচারে যে হিসাবে ইসলামপুরে সাধারণ মানুষের, জনগণের যে হিসাবে সারা পাচ্ছে, উৎসাহ দেখছি, তাতে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালো ফল করবে। আমার মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস এখানে ব্যাপক লিড করে একটা ইতিহাস গড়বে। আমাদের দুজনই আমার অভিভাবক, আর দুজনের অভিভাবকের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আমি ইসলামপুরের রাজপথে নেমেছি প্রচারের জন্য।
কতটা সারা পাচ্ছে? খুব ভালো সারা পাচ্ছে, যে হিসাবে মানুষ নিজের উৎসাহ দেখাচ্ছে আর যে হিসাবে সারা দিচ্ছেন তাতে এবার ইসলামপুর বিধানসভা থেকে রেকর্ড ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জিত করবে। आगामी लोकसभा चुनाव से वाम मोर्चा द्वारा घोषित जलपाईगुड़ी के सीपीआईएम प्रत्याशी देवराज बर्मन ने बारिश के बावजूद छाता लेकर किया चुनाव प्रचार। आज सुबह 7 बजे जलपाईगुड़ी शहर के निकट डेंगुआ झाड़ के चाय बागान में देवराज बर्मन प्रचार करते दिखाई दिए। सीपीआईएम उम्मीदवार के समर्थन में उनके समर्थकों ने द्वार जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों में जोरदार चुनाव प्रचार चलाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2024 लॉटरी, पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 30 मार्च, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बांट। पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 माँ पहलो पुरस्कार विजेता चना राम रत्नेश कुमार पांडे के तपाई हनुन से यस पाली को करोड़पति।